आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। कल आगरा में सीएम योगी ने विंग कमांडर के परिजनों से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि सरकार परिवार के साथ पूरी संवेदना रखती है। आज देश इस हादसे से आहत है। सीएम योगी ने कहा, आज सभी भारतवासी अपनी संवेदनाओं के साथ सभी शहीदों के साथ खड़े हैं। हमने आगरा के शहीद के पिता और परिवारजनों से मुलाकात की। राज्य सरकार द्वारा शहीद के परिवार को 50 लाख रुपए और घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और एक संस्था का नाम शहीद के नाम रखा जाएगा। केंद्र और यूपी के तरफ से पूर्ण सहयोग शहीद के परिवार को दिया। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गाजीपुर पहुंचे थे, जहां अंधाऊ हवाई पट्टी पर सैकड़ों भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान वहां सहकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर संगीता बलवंत, विधायक अलका राय समेत कई नेता मौजूद रहे, जिसके बाद केशव प्रसाद मौर्य बाई रोड हथियाराम मठ के लिए रवाना हुए। हथियाराम मठ में दर्शन पूजन करने के बाद वो अलीपुर मदरा पहुंचे, जहां उन्होंने 68 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया और जनसभा को संबोधित किया। सर्दियों होंगी जो हमारे ऐसे माननीय सेवा करने वाले हैं, उनके घर की है या कोई किसान के घर की, किसी गरीब और मजदूर के घर तक जाने वाली, गाँव तक जाने वाली सड़क है, हमारी प्राथमिकताओं में। और आप सब इस बात के साक्षी हो, 2017 के पहले के गाजीपुर और 2017 के बाद के गाजीपुर को ईमानदारी से जनता को दिखाइए। मैं दावे से कह सकता हूँ, जितना काम हमारी सरकार ने 15 साल में सपा बसपा ने, उसका आधा चौथाई भी नहीं। नहीं, कहीं नहीं टिकी है, सब कमल के फूल पर आके टिकी हुई है। और लाल टोपी वालों को खदेड़ देने का काम करने की जनता ने ठान लिया है, क्योंकि 2014 में हारे, 17 में हारे, ये लोग 19 में हारे, लेकिन अभी भी इनको लगता है गुंडे अपराधियों के बल पर जीत जाएंगे। तो गुंडे अपराधियों का युग समाप्त हो गया है, अब विकास का युग आ गया है, सुशासन का युग आ गया है, कमल के फूल का युग आ गया है, भाजपा का युग आ गया है, गरीब और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहारनपुर पहुंचे थे, जहां रास्ते में जगह जगह बीजेपी अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद स्वतंत्र देव सिंह का काफिला सहारनपुर के छुटलमपुर के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा, जहां जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अन्य पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। सपा और बसपा के कार्यकाल में हुए दंगों का जिक्र करते हुए उन्होंने उसे निंदनीय बताया। आगे उन्होंने कहा कि 2022 में अगर जनता का साथ रहा तो फिर से प्रदेश में भाजपा की सरकार आएगी। मुरादाबाद मंडल स्तर में आने वाली सुरक्षित विधानसभा सीट को लेकर बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा बिजनौर की नहटौर सुरक्षित विधानसभा सीट पर एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें बसपा के उम्मीदवार ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जनसभा को संबोधित करते हुए सतीश चंद्र मिश्रा ने भाजपा और सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों दलों की आपसी मिलीभगत है और दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। सपा और भाजपा बैसाखियों पर चल रहे हैं, जबकि बसपा अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। संभल के बहजोई इस्लाम नगर रोड बहजोई डीआर रिपोर्ट में समाजवादी पार्टी की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किरणमयी नंदा ने बताया कि हमारी सरकार अब की बार पूर्ण बहुमत से बनेगी, क्योंकि हम विकास के मुद्दे पर अपना चुनाव लड़ेंगे, इसलिए सभी कार्यकर्ता पार्टी को अपना समझ कर काम करें। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर दुल्हे को अपनी शादी की खुशी में शराब पीना भारी पड़ गया। आरोप है कि दुल्हे ने शराब पीने के बाद जयमाला कार्यक्रम के दौरान जयमाला उतार कर फेंक दी और शराब के नशे में दहेज के लिए दुल्हन पक्ष से लग्जरी कार की डिमांड कर अभद्रता की और गाली दे डाली। शराबी दुल्हे को देख
शादी समारोह में हंगामा हो गया तो वहीं दुल्हन ने भी शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन का शादी से इनकार करने के बाद दूल्हे का आरोप है कि दुल्हन पक्ष के लोगों ने उसके साथ ही पूरी रात बारात को बंधक बनाकर रखा। दूल्हे पक्ष को बंधक बनाने की सूचना पर थाना पुलिस को दी गई और दूल्हे और बारात को बंधक बनाए जाने की सूचना पर पुलिसकर्मी शादी समारोह के मंडप में पहुंचे। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों की ओर से दूल्हे और बंधक बारातियों को दुल्हन पक्ष के लोगों के कब्जे से बंधक को छुड़वाया गया। दोनों पक्षों में समझौता होने के बाद पुलिस ने बारातियों को रवाना किया। बारात अच्छी खासी आई, लड़के ने ड्रिंक की थी बहुत ज्यादा, स्टेज पे आते ही उसने धूमधाम हंगामा करना शुरू कर दिया और गाड़ी की डिमांड रख दी कि मुझे चार पहिए की गाड़ी चाहिए, अगर नहीं मिली तो मैं तुझे घर पे जाके देखूंगा और जान से मार दूंगा। इसी बीच में हाथापाई हुई और मेरे को मारना शुरू कर दिया। पहले कोई डिमांड नहीं थी और एंड टाइम पे सारी डिमांडें निकल के आई कि हमें ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। अब एंड टाइम पे मेरे पापा कहाँ से ला के देंगे चार पहिए की गाड़ी। अभी थोड़ी देर पहले ही सूचना प्राप्त हुई थी कि थानागौरजी क्षेत्र में शादी को लेके कुछ विवाद हुआ है, उसमें लड़का पक्ष और लड़की पक्ष में, उसमें पुलिस फोर्स मौके पे है, उसमें जांच की जा रही है, समस्त तथ्यों से आपको अवगत कराएंगे। ना कोई विवाद हुआ ना कुछ हुआ, बात सारी थी कि स्टेज सारा फाइनल हुआ था, कंप्लीट हो गया, जो जयमाला पड़ती है कंप्लीट हुआ, जयमाला मैंने उतार के वो सीट जो फ्रंट सीट होती है वहाँ रखा, तो उनको ये शायद पसंद नहीं आया। अब मुझे पता नहीं था क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने शादी कर रखी है, तो मैंने जयमाला उतारा, मैंने रख दिया। अब मुझे ये नहीं पता कि नहीं उतारना चाहिए उसको, जो बरमाला होती फूलों की वो वाली है, बस यही था। फिर मैंने स्टेज लगी, उसके बाद में मैंने स्टेज लगने के बाद में वहाँ पर मैंने जयमाला वो फूल वाली माला उतार के रख दी, बस इतना ही बात हुई है। इनका खुद का एस्टिमेट जो है कि उन्होंने बोला कि 1 लाख की गाड़ी हम दे देंगे, तो मैंने कहा कि आप 1 लाख की दे रहे हो तो मैं उसमें थोड़ा पैसा ऐड करके मैं अच्छी गाड़ी ले ले रहा हूँ, आपका एस्टिमेट तो 1 लाख का ही है, ऐसा कोई शो नहीं करा कि आप नहीं ज़्यादा दो या वैसा कुछ दो, ऐसा कुछ नहीं है। मारपीट कुछ नहीं है, मारपीट का तो कोई भी नहीं बता सकता क्योंकि अकेला मैं कोई ना हूँ लड़की के सामने बैठा हुआ। भाजपा सरकार जहां एक तरफ शिक्षा के लिए लगातार काम कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के आशियाना महाराजा बिजली पासी कॉलेज के बच्चों से स्कूल में झाड़ू पोछा लगवाया जाता है। इस दौरान जियोग्राफी डिपार्टमेंट में तैनात रीना गुप्ता से बात करने पर उन्होंने अपने आप को हेड ऑफ डिपार्टमेंट बताया और कहा कि मीडिया इस बारे में हमसे कुछ नहीं पूछ सकती है। लेकिन आगे रीना गुप्ता ने बताया कि हमारे कॉलेज में बच्चों के विकास को देखकर ऐसे ही काम कराए जाते हैं क्योंकि किताबी कीड़ा बनने से बच्चों का भविष्य बिगड़ता है। जबकि छात्राओं का आरोप है कि रीना गुप्ता कॉलेज के साथ ही अपने घर का भी काम करवाना चाहती हैं। वो कहती हैं कि नंबर मैं अपने हिसाब से दूंगी, काम करोगे तो ही नंबर मिलेगा। अलीगढ़ में वैक्सीनेशन प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग नए प्रयोग कर रहा है। हाल ही में राशन की दुकान पर वैक्सीनेशन की अनिवार्यता का फैसला लिया गया। अब शुक्रवार से धर्मस्थलों मंदिर मस्जिद पर भी लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करने के साथ ही वैक्सीनेशन कैंप भी प्रारंभ किए जा रहे हैं, जिसके लिए CMO डॉक्टर आनंद उपाध्याय ने कैंप कार्यालय पर सर्वधर्म गुरुओं की एक बैठक बुलाई। मीटिंग बहुत अच्छी रही और जो है CMO साहब ने हम लोगों से ये कहा कि आप जो है लोगों को जागरूक करें, जो लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं उनको जाके उनको मस्जिद में ऐलान करें और उनको जागरूक करें ताकि वे वैक्सीन लगाएं, और वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 18 साल से ऊपर सभी लोग जो है लड़के और बूढ़े और जो है महिला जो हैं वो सभी लोग को वैक्सीन लगाना चाहिए और इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लोगों में जो अफवाहें उड़ी हुई कि साइड इफेक्ट है, इससे कुछ नहीं है और इससे फ़ायदा ही है और जो है हमारे कोरोना से इससे बचाव होगा, ये बस यही। जी मैंने दोनों डोज लगवा ली। देखिए CMO साहब के साथ जो मीटिंग रही है आज, सारे धर्मगुरु को बुलाकर उन्होंने एक जागरूक जिसे कहते हैं और जो लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं जो डर रहे हैं उस संबंध में मीटिंग हुई है। जैसे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, वहाँ ये लोग कैंप ही लगाएंगे और अपने डॉक्टर की जो सेवा है वो भी भेजेंगे। जो लोग अलीगढ़ के तहसील गभाना क्षेत्र में जसराम इंटर कॉलेज के छात्राओं ने मशाल यात्रा में हिस्सा लिया, लेकिन मशाल रैली के दौरान आग से दो छात्राओं के झुलस जाने से प्रशासन के पसीने छूट गए। छात्राओं के झुलस जाने की सूचना उनके परिजन को दी गई, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे जहां पर उन्होंने रैली के दौरान सुरक्षा में अव्यवस्था होने का आरोप लगाया।
2022 के चुनावों से पहले प्रशासन लगातार मतदाताओं को जागरूक करने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में अलीगढ़ की 7 विधानसभा की 122 ग्राम पंचायतों में डीएम सेल्वा कुमारी जे के आदेश के बाद लगातार मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, जिससे मतदाताओं को उनके अधिकार के प्रति जागरूक किया जा सके। इसके लिए डीएम ने मशाल दिखाकर रैली का शुभारंभ किया, साथ ही मशाल रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई। इसमें कई लोग जनपद के जितने लोग हैं जो वोटर रहे हैं उनको इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, और एक बैटन हम लोगों ने किया, लगभग 800 किलोमीटर कवर करेंगे पूरे जनपद में। 30,000 से ज़्यादा लोग इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और लोग ज़्यादा होंगे जिसमें दिव्यांग भी होंगे जिन्होंने स्टार्ट भी किया अभी इस रूट में, आपने देखा होगा, फिर महिलाएँ होंगे, बच्चियाँ होंगे, बच्चे होंगे, और हर एज ग्रुप का जो भी वोटर्स हैं जनपद में। ये एक मैसेज हम लोग देने का कोशिश ये कर रहे हैं कि इलेक्शन सबका है और एथिकल वोटिंग उसमें भी ये इम्पोर्टेंट है। जहाँ जहाँ ये हमारा बैटन पहुँचेंगे वहाँ एथिकल वोटिंग के बारे में भी चर्चा होगी, वहाँ हमारे जो उत्तर प्रदेश के बांदा में राजकीय महाविद्यालय पंडित जवाहरलाल नेहरू के छात्रों ने आक्रोशित होकर सड़क पर जाम लगाने का काम किया। बताते चले कि पूरा मामला छात्र छात्राओं के एडमिशन को लेकर है, जहां यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रवेश की अंतिम तिथि थी। जब छात्र विद्यालय अपने प्रवेश के लिए पहुंचे तो उनको ये जानकारी दी गई थी कि सभी सीटें भरी जा चुकी हैं, जबकि महाविद्यालय में अभी भी सीटें उपलब्ध हैं। इन्हीं सब समस्याओं से आक्रोशित छात्रों ने सड़कों पर उतर कर जाम लगा दिया। खबर फतेहपुर से है, जहां पर नेशनल हाईवे पर चौड़ीकरण का मामला सामने आया है। चौड़ीकरण के रास्ते पर थाना ओंग भी आ गया है। अब समस्या ये है कि थाना कहाँ बनेगा। इस बात को जब उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया गया तो थाने से 1 किलोमीटर कानपुर जाने वाले हाईवे पर बड़ा हार हटिया चौराहे के पास जमीन को खोजा गया है। राजस्व की टीम ने रोड बना रही है और पीएनसी कंपनी के अधिकारियों से बातचीत करने के बाद थाना आवास के सृजन के लिए भूमि का पूजन किया। इस मौके पर पीएनसी कंपनी के अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्र के प्रबुद्ध जन भी मौजूद रहे। बहुत जल्द ही इस नए थाने का निर्माण होने की बात कही जा रही है और थाने को शिफ्ट किया जाएगा। जहां ओमिक्रोन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं झांसी स्वास्थ्य विभाग अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहा है। जहां झांसी स्वास्थ्य विभाग तालपुर वैक्सीनेशन सेंटर पर नंदकिशोर नाम का युवक जो हरियाणा में है और उसको झांसी में वैक्सीन की दूसरी डोज लगा दी गई है, इस बात की जानकारी तब लगी जब दूसरी डोज लगने का मैसेज नंदकिशोर के पास आया। जब तालपुरा वैक्सीनेशन सेंटर पर पूछा गया कि ये क्यों हुआ तो उन्होंने स्टाफ का हवाला देते हुए पल्ला एक दूसरे पर झाड़ दिया। कानपुर देहात के जिला अस्पताल में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे चौथे श्रेणी कर्मचारी एक कर्मचारी को बर्बरता से पीटने का मामला सामने आया है। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से एडीजी जोन भानु भास्कर के आदेश पर अकबरपुर कोतवाली को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया, जिसके बाद जिला अस्पताल परिसर के बाहर खड़े हुए अन्य व्यक्ति जो कि अपनी गोद में एक बच्ची को लिए हुए था उसको बर्बरता के साथ लाठियों से पीटते हुए एक वीडियो सामने आया था। इसके बाद तमाम राजनीतिक दलों ने ट्वीट किया था, जिसको लेकर आनंद फानंद में पुलिस के आला अधिकारियों ने इस मामले को संज्ञान में लिया और कानपुर देहात जिला अस्पताल परिसर में हुई घटना को लेकर कानपुर नगर के आईजी प्रशांत कुमार ने इस पूरे मामले का निरीक्षण करने के लिए कानपुर देहात का दौरा किया। जैसे उसमें अभियोग पंजीकृत है जो पुलिस कर्मियों को मारपीट हुई या थानाध्यक्ष का अंगूठा चबाने की बात है, उस पर थानाध्यक्ष की तरफ से या पुलिस कर्मियों की तरफ से भी मुकदमा दर्ज हुआ है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो देखिए प्रकरण के दो पहलू हैं। एक तो ओपीडी का प्रकरण है, ओपीडी सुचारू कर दी गई, वो ओपीडी बंद थी, लोग वहाँ जा नहीं पा रहे थे, पर्चे बन नहीं रहे थे, वो प्रकरण का एक पहलू। और उसके साथ जो अन्य साथी थे जो पद्रवी थे उन पर क्या कार्रवाई की? वो विवेचना और जांच का विषय है, विवेचना और जांच का विषय है, लेकिन ओपीडी का प्रकरण एक पहलू है। ओपीडी को सुचारू चलना चाहिए, जनता बड़ी दूर दूर से आती है, उस जनता को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि जब पुलिस को जहाँ भी ऐसी कोई बात होती है वहाँ पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए।
वो संवेदनशीलता का हमारे इंस्पेक्टर के पक्ष में वो अभाव रहा, उस संबंध में हमारे इंस्पेक्टर के ऊपर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।